खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जीएस पे कमांड, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए आपको दो चरण से होकर गुजरना होगा। पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा। अगर दोनों की बात करें तो दोनों में जो सबसे अहम है प्रारंभिक परीक्षा एमसीक्यू मेथड पर होगी, बहुविकल्पी होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो मुख्य परीक्षा है वो लिखित परीक्षा के रूप में होगी। अगर आपको अंतिम रूप से खंड शिक्षा अधिकारी बनना है तो सबसे पहली बात आपके पास योग्यता बीएड होनी चाहिए, लेकिन तमाम बीएड धारी हैं, उन तमाम बीएड धारियों में से अगर आपको ही खंड शिक्षा अधिकारी बनना है तो सबसे पहले आपको एक रणनीति बनाना होगा। उस रणनीति के तहत आपको अपनी पढ़ाई को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करना होगा। सबसे पहला काम आप ये देख लीजिए कि कौन सा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का सिलेबस एक सा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो लगातार मेहनत से पढ़ रहे हैं, वो प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे, लेकिन उनके लिए जो मुख्य परीक्षा होगी वो कहीं ना कहीं अभिमन्यू का सातवां दरवाजा होगा। तो हम आपको सबसे पहला फोकस करना है कि हमें प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा दोनों को मिलाकर एक साथ तैयारी करते रहना होगा। और सबसे बड़ी बात, हम अपने पूरे पाठ्यक्रम को दो भागों में बांट कर रखेंगे। पहला, हमें पहले से क्या क्या आता है, दूसरा क्या क्या नहीं आता। जो हमें आता है उसे हमें रिवीजन करना है, जो हमें नहीं आता उसको हम सबको ये कोशिश करना होगा कि उसे हमें पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ हम खुद का भी नोट्स बनाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जो सरकारी शिक्षक होंगे, उनके पास समय कम होता है, उनके लिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स मिल जाएंगे, उसके साथ साथ नोट्स बनाकर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं बना सकते वो नोट्स ले लेंगे, लेकिन जो नोट्स बना सकते जिनके पास समय है वो क्लास के साथ साथ अपनी खुद की भी नोट्स बनाते चले। अब समस्या ये है कि पढ़ना कहाँ से शुरू करें। जी हाँ, ये एक बड़ा प्रश्न है आप सभी के लिए। तो सबसे पहली बात यह है, हम जो प्रीवियस ईयर के पेपर है जो खासकर उत्तर प्रदेश पीसीएस ने अभी तक कराया, चाहे वो आरओ के रूप में हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में हो, चाहे पीसीएस के रूप में हो, लोअर पीसीएस के रूप में, इन सभी प्रीवियस ईयर पेपर को पूरी तरह से आपको सॉल्व करना होगा करंट के क्वेश्चन को छोड़कर। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपको 40% प्रश्न रिपीटेड मिलते हैं, जो पहले से रिवीजन करने के बाद आपको परीक्षा में हूबहू मिल जाते हैं। फर्क इतना है, अब परीक्षा के ट्रेंड चेंज होते जा रहे हैं, तो जो परीक्षा के नए ट्रेंड है हम उसके साथ आपको ये बताते चलेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कि नया ट्रेंड क्या आ रहा है, माने परीक्षा में अब किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से एक अधिकारी बनने का जो सपना है वो आपको पूरा जीएस पर ही डिपेंड है। उसके साथ साथ अगर जीएस जितना स्ट्रांग होगा सिलेक्शन उतना बेहतर होगा। इसलिए आप लोग जीएस पर कमांड रखिए। जीएस में इतिहास, भूगोल, संविधान, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल, कृषि विज्ञान, ये तो प्रमुख हो गए जो सबको पढ़ने हैं। इसमें भी इतिहास में तीनों इतिहास, साइंस में तीनों साइंस, भूगोल में तीनों भूगोल, पर्यावरण अलग से पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको एक बात का ध्यान रखना है, रीजनिंग के छोटे सवाल हल करने हैं, रीजनिंग के साथ साथ जो तार्किक गणित उसको भी हल करना है। और अगर आप इतना एक साथ कर पाते हैं, केवल आपको 3 घंटे देने हैं, 3 से 4 घंटे, अगर आप हमें 3 से 4 घंटे देते हैं, यकीन मानिए हम आपका साथ देंगे आपकी सफलता तक, और आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। उतनी आसान नौकरी नहीं है जितना लोग कहते हैं, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है जितना लोग बना के रखें, जितना लोग ये कहते हैं अरे बहुत हुआ है। लगातार मेहनत अगर आप कर रहे हैं, प्रतिदिन अगर आप पढ़ रहे हैं, तो एक दिन आपको खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में सिलेक्शन मिलना तय है। फर्क इतना है कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, करंट के सवाल का रोल काफी महत्वपूर्ण है। हम यूं कहें कि 15 से 20 सवाल आपके करंट से आते हैं, लेकिन करंट अभी आपको नहीं पढ़ना है। जब परीक्षा की डेट आ जाएगी, जब परीक्षा का फॉर्म आवेदन होना शुरू होगा, तब से आपको करंट पढ़ना है, क्योंकि अभी से करंट पढ़ेंगे तो आधुनिक भारत का इतिहास बन जाएगा। इससे अच्छा है कि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ही पढ़ लें। इसलिए जो भी साथी एक खंड शिक्षा अधिकारी बनने का सपना सजोए हैं, वो अपनी तैयारी को अपने हिसाब से पढ़ना शुरू करें, और एक दिन में अगर आप 4 घंटे निकालते हैं तो कल को आपके कदमों में एक खंड शिक्षा अधिकारी की नौकरी होगी। बहुत सारे ऐसे तमाम शिक्षक होंगे जो सरकारी नौकरी करने के साथ साथ अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए भी है कि आपको नोट्स नहीं बनाना, ई-लर्निंग विद दुर्गेश से आपको नोट्स मिल जाएंगे, डेली क्लासेज मिल जाएंगी, और आपको रिवीजन करना होगा, माइंड मैप कॉन्सेप्ट होगी, शॉर्ट नोट्स होगी, पूरी कंप्लीट नोट्स होगी, मतलब नोट्स भी कई चरण में आपको मिल जाएंगे, तो आपको किसी भी प्रकार से पढ़ने में समस्या नहीं आएगी। और आप अगर बीएड हैं, अगर आपने अभी तक बीएड किया हुआ है और आप चाह रहे थे कि अध्यापक बनना, तो अध्यापक से बड़ा पोस्ट होता है खंड शिक्षा अधिकारी का। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मेहनत थोड़ा सा ज्यादा करना होगा। अगर आप
मेहनत कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करने की क्षमता रखते हैं, डेली मेरे द्वारा दिए गए टास्क को पूरा करने की क्षमता रखते हैं, तो आपका स्वागत है इलर्निंग विद दुर्गेश पर। हम आपके साथ मिलकर खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार इलर्निंग विद दुर्गेश से 63 लोगों ने खंड शिक्षा अधिकारी की प्री परीक्षा पास किया था और हमने मेंस नहीं चलाया था, लेकिन इस बार प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षा की हम क्लास लेंगे। और हमारा उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में हमारे साथ पढ़े हुए, इस चैनल के साथ पढ़े हुए लोग 75 तो खंड शिक्षा अधिकारी बनाने, मतलब एक पहला टारगेट है। इस बार कम से कम 75 खंड शिक्षा अधिकारी हमें बनाना है और उसके लिए हम आपके साथ हैं, पूरी तरह से हम मेहनत करेंगे और आपको भी मेरे साथ उतना ही मेहनत करना होगा। आप साथ दें, हम आपको परिणाम देंगे। और कोई सवाल अगर आपका कमेंट बॉक्स में पूछेगा, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। और भर्ती की तैयारी करना कि कब खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती आएगी वो भी पूछेगा। लेकिन आपने अब्दुल कलाम जी को सुना होगा कि असफल सफल व्यक्ति जितना छोड़ जाता है, असफल व्यक्ति वहीं से शुरुआत करता है। तो बहुत सारे लोग होंगे जो भर्ती आने के बाद पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको सिलेक्शन लेना है वो आज से पढ़ेंगे, उनका आज ही कल का जवाब है। इसलिए आज से ही हम सब मिलकर खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करेंगे, कछुए की चाल चलेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, हर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ताकि आने वाले परीक्षा में हम बेहतर और बड़ा स्कोर कर सके। प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ हम मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करते चलेंगे और डेली रूटीन बनाकर पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना है, कब कब पढ़ना है और किस पर कितना कितना फोकस करना है। तो आप सब वीडियो को शेयर करिएगा उन तमाम साथियों तक जो खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे थे, जो बीईओ की तैयारी कर रहे थे। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, क्योंकि मेरी क्लास हमेशा आप सभी के लिए निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में रहेगी। और हम हमेशा ये प्रयास करेंगे कि इस बार हम कम से कम 75 खंड शिक्षा अधिकारी अपने माध्यम से, अपने पढ़ाकर आप लोगों को बनाए। तो क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं, आप सभी का स्वागत है। सोमवार से हम आपके लिए खंड शिक्षा अधिकारी की ऑनलाइन क्लास लेकर आ रहे हैं, जो इलर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल, इलर्निंग विद दुर्गेश का फेसबुक पेज, इलर्निंग विद दुर्गेश के ऐप के माध्यम से मिलेगा। साथ ही साथ आप मेरे चैनल पर भी इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको पूरी तरह से आपको निःशुल्क मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अब की बार एक सीट हमार, अगर ये आपने सोच लिया है तो करके दिखाना है और इस सोच को हकीकत में आपकी मेहनत से बदलना है। जी हाँ, खंड शिक्षा अधिकारी, अब की बार एक सीट हमार।